मैं आपको एक ऐसी बायनाओ पे लेटर एप्लीकेशन बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से आप 25,000 रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं और इस लोन को आप इंस्टेंट अपने बैंक खाते में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लोन को लेने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। सिर्फ आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, इंस्टेंट आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले उसकी एनबीएफसी को चेक करना है। अगर हमें लगता है कि एप्लीकेशन आरबीदार अप्रूव्ड एप्लीकेशन है तो उसमें हमारे को यहाँ पे लोन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते। तो अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको एक ऐसी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन बताऊंगा। इस एप्लीकेशन पे आपको जो टाइम मिलेगा पूरे एक मंथ का टाइम मिलेगा और आपको एक मंथ के बाद ही इसकी यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट, तो हमारे को जो लिमिट मिली है तो पूरे 3,000 रुपये की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है और साथ में मेरी अवेलेबल लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 रुपये, साथ में बिल डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है सिर्फ पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आपको 1,000 से लेकर 50,000 रुपये का यहाँ पे लोन मिल जाएगा और इस लोन को आप इंस्टेंट अपने बैंक खाते में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक मंथ के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 0% इंटरेस्ट पे एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले हमारे को उसकी एनबीएफसी को चेक करना है। अगर हमें लगता है कि एप्लीकेशन आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है तो उसके बाद ही हमारे को लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाई है, अगर आप वीडियो को यहाँ पे पूरा देख लेते हो तो आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने में किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है गेट यूवर फर्स्ट क्रेडिट लिमिट अप टू 5 लाख। तो आपको जो स्टार्टिंग पे लिमिट मिलेगी ना तो आपको 5,000 रुपए की लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपए की आपको लिमिट मिलेगी और जो एप्लीकेशन है प्रोवाइड बाय आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। तो एप्लीकेशन है आरबीआई द्वारा एप्लीकेशन है और एनबीएफसी अप्रूवड है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है फॉर यूवर द एवरीडे स्पेंड। तो आप इसकी लिमिट से किसी भी किराना स्टोर पे जाके यूज कर सकते हैं अगर आप उसके पास यहाँ पे मर्चेंट का क्यूआर कोड है। साथ में डॉक्टर एंड क्लिनिक पे भी इसको यूज कर सकते हैं, साथ में पेट्रोल पंप पे भी इसको यूज कर सकते हैं, साथ में किसी भी फार्मा कॉस्मेटिक पे वहाँ पे भी इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे वेजिटेबल, अगर आप किसी भी अगर आपको कोई फ्रूट खरीदने हैं, कुछ भी खरीदने हैं, सब्जी खरीदनी है तो भी आप इसको क्यूआर कोड पे यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे लिखा है कि डेली नीड शॉपिंग, तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्यूआर कोड पे जाके कोई कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी खरीदने हैं तो भी आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे नाउ एक्टिव इन, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन कहाँ कहाँ वर्क करती है। तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो वैसे एप्लीकेशन काफी जगह वर्क करते हैं। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो जैसे आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन हमारे एरिया में है तो आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 4 इजी स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 4 इजी स्टेप कौन से है, तो यहाँ पे आधार कार्ड सबसे फ्रंट और यहाँ पे उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आपको वीडियो सेल्फी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वीडियो सेल्फी देनी पड़ेगी, साथ में इनकम वेरीफाई आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद पैन कार्ड, साथ में वीडियो सेल्फी देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम वेरीफाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंस्टेंट मनी ट्रांसफर इन द योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसकी लिमिट को बैंक खाते में लेना है तो आप इसकी लिमिट को बैंक खाते में भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए आप अपने यूपीआई पे भी ले सकते हैं, साथ में बैंक को यहाँ पे ट्रांसफर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक फैसिलिटी अच्छी मिली है जहाँ से आप इसकी लिमिट को अपने बैंक खाते में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंथली बिलिंग साइकिल, तो आपका जो बिल बनेगा ना तो वो बनेगा 8 तारीख को। तो 8 तारीख को आपका बिल बनेगा, 12 तारीख को उसको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूरा एक मंथ से ज़्यादा का यहाँ पे टाइम मिल रहा है और आपको उसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करनी है। अगर आप इसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करते हैं तो आपकी अगर आपको लिमिट 5,000 की मिली है तो आपकी लिमिट बढ़ के यहाँ पे 1,000 से लेके पूरे 50,000 के बीच की यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन मतलब कि पे ऑन द टाइम ऑन द बिल्ड यूर क्रेडिट स्कोर, अगर आप इसकी रिपेमेंट को टाइम पे करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो IF का सिबिल स्कोर यहाँ पे चेक किया जाएगा, अगर आप इसकी रिपेमेंट टाइम पे करते रहेंगे आपका सिबिल स्कोर भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा रेफर फ्रेंड इन द फैमिली टू अर्न कैशबैक, अगर आपके फैमिली में अगर किसी को भी आप रेफर करते हैं, अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं तो वहां से आपको यहाँ पे रेफर का अर्न भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसी मेथड से आप इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कौन सी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको उसकी पूरी रियलिटी भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन में कितना इंटरेस्ट लगने वाला और कितना आपको इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ऊपर करना, तो यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं कि
4.5 की इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोड यहाँ पे 1 लाख प्लस इसके अभी तक यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं और काफी लोगों को इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल भी चुका है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अबाउट सेक्शन पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन काफी जगह इस टाइम यहाँ पे वर्क कर रही है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि एप्लीकेशन अभी कहाँ कहाँ वर्क कर रही है। तो यहाँ पे 100% पेपरलेस एप्लीकेशन है, तो 5 मिनट के अंदर ही आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी और इसको इंस्टेंट अपने बैंक खाते में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर पा गए। और यहाँ पे 100% सेफ सिक्योर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ऊपर करना है। तो यहाँ पे जो आपकी एज है तो 20 साल की यहाँ पे होनी चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पे फोन नंबर से यहाँ पे लिंक होना चाहिए और आपके पास एक UPI ID होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम नेट आपकी होम सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 12,000 रुपये होनी चाहिए और 3 लाख रुपये आपकी हाउस इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। सिर्फ आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आधार कार्ड नंबर से रजिस्टर करना है, KYC करनी है, पैन कार्ड लगाना है और लिमिट आपको यहाँ पे अप्रूवल कर दी जाएगी, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बिल बनेगा ना, 8 तारीख को आपका बिल बनेगा, 12 तारीख को आपको पे करना है, तो आपको पूरा एक मंथ का आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे लोन लेना है तो 10,000 से लेके 50,000 रुपये का आपको लोन मिल जाएगा, 3 मंथ से लेके 36 मंथ का आपको टेनवर मिलेगा। और जिसका यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कुछ उन्होंने मैंशन किया गया है, अगर आप इसकी पे लेटर की लिमिट को अच्छे से यूज करते हो तो आपको EMI का भी ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 50,000 रुपये का अगर आपको लोन मिलता है तो 12 मंथ का आपको लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 20% पर NM के हिसाब से लगेगा, प्रोसेसिंग फीस आपकी पे नहीं लगेगी, टोटल इंटरेस्ट 5,581 रुपए, EMI आपकी बनेगी 4,632 रुपए, 20% का आपका अप्रैल रेंज लगेगी। साथ में जो आपके खाते में 50,000 रुपए आपको खाते में जो पे करने हैं 55,581 रुपए आपको पे करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी लैंडिंग पार्टनर की भी रिपोर्ट यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनसारा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड द डूज द गिव लोन डायरेक्टली टू यूजर। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, इसको जो प्रोवाइड कौन करता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, फिनसारा हैज द पार्टनर विद द RBI अप्रूव्ड NBFC गणेश गंगा इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसका यहाँ पे लेंडर पार्टनर साथ में यहाँ पे लिखा है कि फाइनेंस द प्राइवेट लिमिटेड, तो एप्लीकेशन है RBI द्वारा अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, तो अच्छी एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दे रखा है, अगर आप इनसे कोई भी बात करना चाह रहे हो तो आप इनसे व्हाट्सअप से बात कर सकते हैं, साथ में आप इनसे कॉल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ KYC के ऊपर ही आपको लिमिट मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैक चलना, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन हुआ है सारा एवरीडे क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पे रेटिंग मैंने आपको दिखा दी, अच्छी एप्लीकेशन है, अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको लोन की इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, तो आप इसकी रेटिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी अच्छी इसकी यहाँ पे रेटिंग है। तो यहाँ पे 1 स्टार की रेटिंग बहुत ही कम है और 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी सिटी में एप्लीकेशन वहाँ पे वर्क ना कर रही हो, तो इसी वजह से कई लोगों को यहाँ पे लोन ना भी मिला हो। अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे मुझे भी यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है, अगर आपका भी सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको भी यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।